Assalamualaikum. Waalaikum assalam. Aap aise handi bana rahe ho? Haan ji, aap hi bana rahe hain. Aap aise khud hi banate hain? Haan ji, aap hi banane hain. Aap hi banane hain. Na hai unke paas aur to bhi hai nahi. Ab wo amma jo hai unko college hua tha. Ab ye to shohar hai, khud hi ये जो है मतलब उनका जो दुख है तकलीफ है जो उनको वो तो नहीं हम दूर कर सकते बाकी जो थोड़ी बहुत इनकी मदद लेकर आए हैं वो इंशाल्लाह हम आपको दिखाते हैं अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू अल्लाह आप सबको ईमान और सेहत की दुआएं हैं और आमीन से मामी कुछ से पहले हम अम्मा जी की वीडियो बनाकर गए थे इनके हालात में वीडियो की सूरत में आप लोगों तक पहुंचाए थे इनको फालिज है और इनके शौहर घर का काम भी करते हैं साथ में इनको भी संभालते हैं और सारा काम वही करते हैं और मतलब इनको फालिज होने की वजह से वो कोई और काम नहीं कर सकते मतलब जैसे कि मजदूरी वगैरह या फिर बाहर जैसे पहले वो इनको फालिज जब नहीं हुआ था उससे पहले वो सब्जी बेचते थे पहले अब वो कोई काम नहीं कर सकते सिर्फ इनकी देखभाल करते हैं और घर का काम सालन नालियाँ झाड़ू सफाई सारा काम वो खुद करते हैं और इनको भी संभालते हैं तो अब हम दोबारा आए हैं अम्मा जी के लिए राशन है बड़ा फूड पैक है राशन का इनके रमज़ान शरीफ और इसके बाद ईद भी अच्छे से गुजर जाएगी और राशन के साथ कपड़े हैं अम्मा के कपड़े हैं बाबा जी के कपड़े हैं अस्सलाम वालेकुम अम्मा जी तबीयत ठीक है कितना तकलीफ है दीदी अल्लाह तला आपको तकलीफ कम करे अल्लाह तला आपके आसानी पैदा करे क्योंकि ये है कि जो आपको तकलीफ़ है वो तो आपने बर्दाश्त करनी है ज़ाहिर है अल्लाह तला की तरफ से आपको जब हो गया है अल्लाह तला आपको शिफा दे बाकी आपके लिए राशन और सामान है और कपड़े हैं आपके ये आपके सूट है और ये है बाबा जी का ये बाबा जी के कपड़े आपके लिए कपड़े हैं और बाकी ये राशन है पूरे महीने का राशन है पूरा महीना आसानी से गुजर जाएगा उसके बाद ईद भी आसानी से गुजर जाएगी और बाकी ज़रूरत की हर चीज़ आपके लिए लेकर आएगी बस जो लोग आपकी खिदमत कर रहे हैं आपके लिए वो अल्लाह उन्होंने अगले पीछे ठंड रखी आपके लिए बाबा जी के लिए कपड़े हैं राशन है पूरे महीने का राशन है इसके बाद ईद भी अच्छे लाके अच्छी तरह गुजर जाएगी और रोज़े वगैरह भी रखते हैं हस्बैंड जो माशाल्लाह इनको भी संभालते हैं घर का काम भी करते हैं रोज़े भी रखते हैं अल्लाह ताला उनकी इनके लिए सारे भी किसी रमज़ान शरीफ रोज़े रखने दुआ करनी है नवाज़ से डेढ़ थोड़ी खिदमत करते पे और नवाज़ से दुआ करनी और थोड़े बस पैसे हैं 10,000 रुपया और राशन आ कपड़े आ ताडे भी कपड़े थोड़े शोर के कपड़े थोड़े ईद से पाइए सीधे कपड़े अल्लाह अल्लाह करे अल्लाह बस अल्लाह कबूल करने वाला अल्लाह कबूल करे हर एक तो ध्यान रखे बाकी जो इनकी अमानत इन तक पहुंच गई है राशन है कपड़े हैं और पैसे हैं उसके अलावा जो भी चीज़ें इनके तक पहुंच रही थी पहुंच गई बाकी हालात इनके हम आपको पहले दिखा चुके हैं कि किस तरह वो बाबा जी इनकी खिदमत भी करते हैं घर का सारा काम भी करते हैं और जो रोज़गार वगैरह मतलब अगर ये इनको कोई दे जाता है तो खा लेते हैं घर में इनके कोई रोज़गार इनका अपना नहीं है बाबा जी हैं अगर इनको कोई चीज़ इधर लगा के दे दी जाए मतलब कोई रेडी रखवा दी जाए उसके ऊपर कोई फ्रूट वगैरह रख दिया जाए तो इधर से लोग आके लेके जा सकते हैं बाकी ये जा नहीं सकते बाहर अपनी बीवी को छोड़ के क्योंकि इनको पाले जाए इनकी 24 घंटे देखभाल करनी पड़ती है तो इंशाल्लाह इनके लिए अल्लाह ताला ज़रूर आसानी पैदा करे आज के लिए इतना ही दोबारा मिलेंगे नई वीडियो के साथ तब तक अपना ख्याल रखिएगा दुआओं में याद रखिएगा अल्लाह हाफिज़